तो अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। छुरी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि केक हमारा तैयार है। आंच हम बंद कर देते हैं, फ्लेम अब हमने बंद कर दी है और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसे बाहर निकालना है और मेरे एक हाथ में मोबाइल है और चने थोड़े थोड़ा क्लिप क्लिप कर लेते हैं। जब भी केक निकालें ना तो छुरी के साथ नहीं, किसी नरम चीज़ के साथ इसके कट्स लगाया करें, क्योंकि छुरी के साथ वो कट जाते हैं तो फिर वो सही शेप नहीं देता। तो हमने इससे इसके पैंदे से हटा लिए हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। हमने इसे पलट लिया है और ये हमारा केक पक के तैयार है। और इसका बटर पेपर हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बना भी बहुत अच्छा है, शक्ल बहुत अच्छी लग रही है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे, तो सीधा हम इसे ऐसे कर लेते हैं। ये सीधा हो गया है और कुछ ऐसी शेप आई है और गर्म बहुत है, चूंकि हाथ नहीं लग रहा, इतना गर्म है। तो उस चीज से आपको दिखा देती हूँ। तो प्लेट मैंने उल्टाई है तो वो ऊपर वाली स्किन थोड़ी उसकी निकल गई है। तो अब हम इससे एक पीस काट के आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये गर्म है और गर्म से ही नहीं कटता और ना ही जायका अच्छा। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही फ्लफी और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, बहुत ही नरम बना है और ये सिर्फ और सिर्फ एक अंडे के साथ हमने केक बनाया है। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता है। और ये केक हम अपने बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में भी डाल। आपसे चाहती हूँ इजाज़त, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको तंदुरुस्ती वाली सेहतमंद ज़िंदगी दे, और जितने भी मरीज़ हैं घरों में अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, अल्लाह पाक उन सबको शिफाय कामिल अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक जितने भी बे औलाद हैं उन सबको औलाद नरीना अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।